भारत एक ऐसा देश है जो विचारों की भूमि रही है। इन विचारों से ही भारत ने कई महान सपूत पैदा किए, महानतम सुपुत्रों ने जीवन के कई सिद्धांत दिए और इन सिद्धांतों से भारत भूमि महान बनी। भारत के महान बनने में ऋषि, मुनि, साधु, संत, गुरुओं, तपस्वियों का योगदान रहा। इन तपस्वियों ने भारत के समाज को सोचने समझने की बुद्धि दी व ईश्वर को प्राप्त करने के रास्ते बताए। हर ऋषि ने एक ही बात को अपने अलग और सुंदर अंदाज से समाज में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिसके बलबूते उनके शिष्य और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संस्कार शुरू हुए। ये गुरु शिष्य का रिश्ता भारत की भूमि में सदियों से चला आ रहा है। इसे हिंदू संस्कृति का अंग कहा जाता है। इस व्यवस्था की अहमियत इतनी है कि गुरु के होने से शिष्यों के जीवन को अर्थ मिल सके, जिसके परिणाम स्वरूप वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। गुरु की भी अपनी तपस्या है और वो अपने किसी गुरु परंपरा के अनुसरण से आगे लेते हुए बढ़ रहे होते हैं। हर गुरु समय के प्रसंग पर अपनी बात करते हैं। वो उस प्रसंग में तार्किक और नैतिक होती हैं, परंतु समय के साथ जरूरी नहीं कि हर बात नए दौर और समय के साथ सही हो। इसलिए वक्त वक्त पर नए द्वार से होते हुए नए दौर के तपस्वी त्यागी चिंतक उन बातों को सुधारते हैं और समय आधारित नई बात को समाज में रखते हैं। यही मुख्य वजह है कि भारत वक्त वक्त पर महान पुरुषों को जन्म देता है, जो समाज को समाज के भीतर संतुलन बनाए रखे, जिससे किसी पुरानी धारणाओं से संकीर्ण हुआ समाज वक्त के साथ नई चेतना को महसूस कर सके। कोई भी गुरु तपस्वी अपने शिष्यों को ये सीख नहीं देते कि तुम कट्टरता से किसी बात का अमल करो। वो बस इतना कहते हैं कि विवेकवान बनो और अंतर हुक्म को सुनो, जो आवाज़ तुम्हारे भीतर से आए। परंतु ये तभी हो सकता है जब आपने अपने भीतर ईश्वर को वास दे दिया हो, अर्थात अपने मानवीय समझ के आधार पर अपने कर्मों से ईश्वर को सिद्ध कर लिया हो। परंतु जब गुरु की दी शिक्षा से समाज अपना संप्रदाय बना लेता है, तो वो एक किस्म के कट्टरता का चौला ओढ़ लेता है। ये चौला उसे ये नहीं सोचने देता कि उसके गुरु ने ये बात किस प्रसंग में कही थी। वो उस गुरुवाणी को हर प्रसंग में अमल करने की बात करता रहता है। परंतु गुरु अपने शिष्यों को शुरू से यही शिक्षा देते हैं कि सत्य की तलाश करो, धर्म कर्म करो। यही एक अमर अटल गुरुवाणी है, जो बातें मानव को खुद समझनी होती हैं। परंतु मनुष्य गुरु की इन बातों को कहीं भूल एक संप्रदाय के रूप में चलने वाली व्यवस्था का गुलाम हो जाता है। इसकी मुख्य वजह यह होती है कि वक्त के साथ रूबरू हुए गुरु के शिष्य तो उनके अनुसरण में तृप्त रहते थे, परंतु उनके बाद संप्रदाय के रूप नई आने वाली पीढ़ियां अपनी मर्जी से एक व्यवस्था खड़ी कर देती हैं और फिर धीरे धीरे और वक्त गुजर जाने के बाद वही व्यवस्था गुरु की शिक्षा दिखाई पड़ती है। जबकि गुरु का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए प्रत्येक मानव प्रिय है और वे प्रत्येक मानव के लिए अरदास करते हैं कल्याण हो। इस कल्याण के मार्ग के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा मानव जाति के लिए लगा दिया। परंतु अंत में ये सब उनकी तपस्या किसी एक ऐसी व्यवस्था के भेंट चढ़ गई, जिसको शायद वे खुद अगर देखते तो उसको मूल्य सत्य की ओर मोड़ने के लिए फिर तपस्या करते। भारत में किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अध्ययन की भूमि है, तपस्या की भूमि है। प्रत्येक मानव को अपने गुरु चुनने का मौका देती है और धर्म कर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति देती है। इसमें कोई मनभेद नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महान पुरुष से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है, जिससे हमें उनके विचार पढ़ सके, उनके विचारों का मनन कर सके और ध्यान के माध्यम से एक ज्ञान पैदा कर सके, जो मानव को उसकी चेतना से मुक्ति की ओर ले जाए। यही हिंदू संस्कृति है, यही महान भारत की कहानी है, जो इसे किसी संप्रदाय से नहीं अध्यात्म से जोड़ती है।